हेलो गाइस, मैं हूँ प्रियंका यादव। रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपकी वीडियो रहेगी आरआरबी डी ग्रुप सिकंदराबाद के वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड। ठीक है, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि सेकंड जो वेटिंग लिस्ट होगी वो रिलीज होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम उसी की बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, और यदि आएगी तो किस बेसिस पर आएगी। ठीक है, उसकी आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये बताया जाएगा कि डी ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी। जैसे नोटिफिकेशन के अंदर साफ डाला था कि जितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज होगी उनके अलावा 5% और एक्स्ट्रा बच्चे बुलाए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 5% एक्स्ट्रा बच्चे बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आरआरबी सिकंदराबाद की टोटल जो वैकेंसी थी वो 6523 अप्रोक्सीमेट का मतलब है कि सिकंदराबाद के अंदर जो आपकी वैकेंसी निकली थी वो इंक्रीज की गई थी। ठीक है, तो कुछ वैकेंसीज आपकी इंक्रीज की गई थी, तो उस वजह से अप्रोक्सीमेट 6523 वैकेंसीज आपकी थी सिकंदराबाद जोन से। तो इसके अंदर 6523 के अंदर आपके जो नॉर्मल का मतलब है जो जनरल SC ST BC वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो, और PWD जो हैंडीकैप वगैरह है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बनती है आपकी 6523। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, मतलब जो लिस्ट RRB ने जारी की थी अभी कुछ टाइम पहले, वो की थी 6263 प्लस 226। 6263 तो है आपके नॉर्मल और 226 है PWD के स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टोटल मिलाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 6489 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। अब बात करते हैं हम वेटिंग लिस्ट की, कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज तो 6523 थी, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने बच्चों को बुलाया? 6489 बच्चों को बुलाया। तो बाकी और बच गए, इसका मतलब है कि जितने स्टूडेंट्स बचे हैं 6523 में से यदि 6489 माइनस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इतने बच्चे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बचे हैं। फिर यदि हम बात करें वेटिंग लिस्ट, तो वेटिंग लिस्ट के लिए क्या दिया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जितने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है उनके 5% एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को भी बुलाया जाएगा। तो देखिए, यहाँ हम बात करते हैं कि टोटल वैकेंसीज है 6523 और 6523 का 5% कितना होगा आपका? 326 होगा। तो टोटल अगर देखा जाए तो बनता है आपका 6849। तो 6849 स्टूडेंट्स को बुलाना चाहिए था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन कितने स्टूडेंट्स को बुलाया? 6489। तो बच कितने गए? हम रिमेनिंग की बात करते हैं, तो 6849 में से यदि ये 6489 माइनस करते हैं तो कितने बचे? 360। इसका मतलब है कि 360 बच्चों को और बुलाया जाना था, लेकिन 360 बच्चे अभी कम है। इसका मतलब है कि वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी, क्योंकि 360 स्टूडेंट और बचे हैं, तो 360 स्टूडेंट्स की वेटिंग लिस्ट और आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यदि आपका नॉर्मल सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।